हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो हमने आपका पेपर पैटर्न और इंट्रोडक्शन किया था प्रीवियस लेक्चर में। सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर नंबर 1, दैट इज असेंशियल एलिमेंट्स ऑफ लीगल सिस्टम। तो एज यू ऑल नो कि आपका जो सब्जेक्ट है दैट इज कॉर्पोरेट एंड बिजनेस लॉ। सो इसमें आपको बेसिकली क्या करना है, ट्रेडिंग एंड बिजनेस और इंटरनेशनल लॉ के बारे में ही पढ़ना है। सो आपका फर्स्ट चैप्टर क्या है, वो आपको असेंशियल एलिमेंट्स बताएगा आपके लीगल सिस्टम के। वी ऑल आर बाउंड बाय आर लीगल सिस्टम, राइट। हम सब लीगल सिस्टम में बाउंड है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आपके चैप्टर को। यहाँ स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले आपका आता है इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड लीगल सिस्टम। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ सिस्टम बेसिकली। जो फर्स्ट है दैट इज इकोनॉमिक। इकोनॉमिक इज व्हाट, इट इज रिलेटेड विद द फाइनेंस, रिलेटेड विद आर एनवायरमेंट। देन पॉलिटिकल, वी ऑल नो इट्स ऑल अबाउट योर लीगल सिस्टम। देन पॉलिटिकल एंड लीगल जो है ये थोड़ा सा क्लोज है, लेकिन इनमें डिफरेंस है, सो हम उनको करेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। Firstly, they are interdependent. इनके बीच में इंटर रिलेशनशिप है। आपका पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल और जो लीगल सिस्टम है, they are interrelated. जो आपका कंट्रीज पॉलिटिकल सिस्टम होता है, ठीक है, टू इट्स पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड लीगल सिस्टम, दीज सिस्टम्स आर इंटरडिपेंडेंट, दे आर इंटरडिपेंडेंट। अगर किसी एक सिस्टम में कोई चेंज आएगा, लेट्स से फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके लीगल सिस्टम में कोई भी चेंज आता है तो आपका पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिस्टम भी सेम वे में चेंज होगा और वाइस वर्सा। अगर इकोनॉमिक सिस्टम चेंज होगा देन योर लीगल सिस्टम विल ऑल्सो, मतलब उस पर भी कोई ना कोई इंपैक्ट आएगा, ठीक है। सो इसका मतलब क्या है कि दे आर इंटर रिलेटेड और इंटरडिपेंडेंट ऑल्सो, ठीक है। तो इनकी इम्प्लीकेशन आएंगी फॉर द प्रैक्टिस ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस। तो चलिए फर्स्ट करते हैं इकोनॉमिक सिस्टम। कंट्रीज इकोनॉमिक पॉलिसी डिसाइड्स हाउ द सोसाइटी फाइनेंस इटसेल्फ। देखो, वी आर लिविंग इन इंडिया, और अगर हम किसी और कंट्री की भी बात करें तो हर एक कंट्री का अपना एक इकोनॉमिक सिस्टम होता है, और वो सिस्टम भी क्या डिफाइन होता है कि वो कंट्री अपने आप को फाइनेंस कैसे करेगी। हम अपने फंड कहाँ से रेज करेंगे, क्या हम आउटसाइड अपनी कंट्री से भी फंड रेज करते हैं, ठीक है। वो सारी चीजें कहाँ पर डिसाइड होती हैं, आपके इकोनॉमिक सिस्टम में। दैट व्हाट इट प्रोड्यूस, ये क्या प्रोड्यूस करेगी, ठीक है। हाउ प्रोड्यूस करना डिसाइड कर लिया कि यस हमें ये चीज प्रोड्यूस करनी है, कैसे करोगे उस चीज को प्रोड्यूस, वो भी तो डिसाइड करना पड़ेगा। एंड फॉर हूम, किसके लिए, आपके कस्टमर्स हैं या फिर जो भी कोई है, राइट। तो आपको अपने लिए वो चीज ऑलरेडी डिसाइड करके रखनी पड़ती है। Then there are three main economic systems. There are three main economic system, and these three systems are very important. First step plan. Plan में क्या होता है, where decisions and choices are made by the government. आपके जो भी decisions होते हैं, जो भी आपके basis choices होती हैं, वो कौन करता है, government करती है, ठीक है। ये कौन सा है, planned है। Then उसके बाद second one is market. मार्केट में क्या होता है कि सारे डिसीजन जो होते हैं वो डिमांड एंड सप्लाई पे डिपेंड करते हैं। अगर किसी चीज की डिमांड हाई है तो उसकी सप्लाई भी हाई हो जाती है, राइट। इट शुड बी, सप्लाई शुड ऑल्सो बी हाई। अगर किसी की डिमांड कम है तो क्या आप उस चीज को प्रोड्यूस करोगे, नो, कोई भी नहीं करेगा, राइट। सो यहाँ पर डिमांड एंड सप्लाई की फोर्सेस के थ्रू सब कुछ डिसाइड किया जाता है। एंड द लास्ट वन इज मिक्स्ड। As the name suggested, यहाँ पर दोनों ही चीजें होती हैं। That means your government is also controlling the economy and demand sources, the sources, the forces of demand and supply are also having control on your economy. ठीक है, मतलब आपके mix में दोनों ही effect आ जाते हैं। Then come to your second system, that is political system. So how countries are managed? देखो, देयर इज अ सिस्टम, ठीक है, देयर इज सिस्टम इन एवरी कंट्री। ऐसा तो नहीं है कि किसी कंट्री का कोई रूल नहीं है, कोई रेगुलेशन नहीं है, नो, एवरी कंट्री हैज इट्स ओन रूल्स एंड रेगुलेशन जिसकी वजह से वो मैनेज होती है। तो यहाँ पर दो है, एक तो होता है डिक्टेटर और दूसरा आपके पास होता है, आपके पास एक तो डिक्टेटर और एक डेमोक्रेसी, ठीक है। अगर मैं बात करूं इंडिया की, ठीक है, तो डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी का क्या मतलब होता है,
जिसको हम इलेक्ट करना चाहें, वी हैव दैट राइट कि हम उसको इलेक्ट कर सकते हैं। एंड डेमोक्रेसी का अर्डी होती है डेमोक्रेसी। डिक्टेटर, डिक्टेटर की सबसे बड़ी एग्जांपल क्या है? हिटलर। जो फिर उस पर्सन ने कह दिया वही उस कंट्री में होगा। अगर वो पर्सन चाहे, एक पर्सन चाहे तो ही कैन चेंज एनीथिंग, दैट इज डिक्टेटरशिप। ठीक है, हिटलर उसकी एग्जांपल है जहां पर कोई फ्रीडम, इंडिविजुअल कोई फ्रीडम होती है, अदरवाइज देयर इज नो फ्रीडम एट ऑल। लेकिन इफ वी टेक द एग्जांपल ऑफ इंडिया, देन वी आर लिविंग इन अ फ्री कंट्री, वी हैव दैट फ्रीडम। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें बहुत सी फ्रीडम्स दी है, राइट? हमारा फ्रीडम है, हम अपने रिलीजन को चूज कर सकते हैं, हम बहुत सारी एजुकेशन का फ्रीडम है, देयर आर अ लॉट ऑफ फ्रीडम्स वी हैव। हमारा हम लीगल सिस्टम से बाउंड जरूर है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हिटलर वाला सीन यहाँ पर नहीं है। डिक्टेटरशिप इंडिया में नहीं है, लेकिन कुछ कंट्रीज है जहां पर ये सिस्टम है। उसके बाद नेचर ऑफ पॉलिटिक्स सिस्टम क्या करता है? इट अफेक्ट द वे दैट लॉ आर मेड और अफेक्ट द वे दैट इकोनॉमीज आर रन। देखो, डेमोक्रेसी जो कंट्री होगी वहां पर सिस्टम डिफरेंट होगा, और जो डिक्टेटर होगा वहां पर सिस्टम टोटली डिफरेंट होगा, राइट? होप दीज टर्म्स आर क्लियर। देन आता है लीगल सिस्टम। What is legal system? Legal system में सबसे पहले आता है law. Law is a body of rules that exist in the society. Law हम पढ़ रहे हैं, तो law है क्या? तो law वो system है, वो body है जो exist करती है there in society. और जिसमें which its member operate. ठीक है? Law में basically क्या आता है? Usually local law होता है, और rather than usually understood in local rather than global. और हिस्टोरिकली इन राइटिंग एज सोसाइटीज चेंज फ्रॉम द ट्राइबल फैमिलीज गवर्नमेंट टू नेशन स्टेट्स, ऑफन आउटलाइंड इन बेसिक टर्म्स इन अ कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन, राइट? हमारा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, दैट इज आर लॉ, और मेड बाय द पीपल गवर्निंग द कंट्री। अगर हम यूके की बात करें तो जो भी यूके में होगा लॉ, वो कंट्री जो लॉ बनाएगी वही लॉ आपकी थ्रू आउट द कंट्री चलेगा, राइट? उसको क्या बोलेंगे कि वो कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन। देन आपके पास है, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ लीगल सिस्टम्स। प्लीज, दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसमें आपका सबसे पहले आता है कॉमन लॉ, फिर है सिविल लॉ, फिर है शायरिया लॉ। तो ये हम डिस्कस करेंगे डिटेल में भी। अभी के लिए ये जो कॉमन लॉ है ये एक्चुअली में रिटन लॉ होता है। ठीक है, ये आपका कहाँ होता है? यूके और यूएस में। सिविल लॉ है फ्रांस एंड जर्मनी में, और शायरिया लॉ है पाकिस्तान और ईरान में। बेसिकली जो शायरिया लॉ है, एज द नेम इज सजेस्टिंग, ये इस्लामिक लॉ है जो बेस्ड ऑन द इस्लामिक, उन्हीं के रिलीजन के ऊपर ये बेस्ड है। ठीक है, इसके बारे में डिटेल्स हमें फर्दर इन द चैप्टर करनी है। ठीक है, उसके बाद चलो सेपरेशन ऑफ पार्ट्स। देखो इसका क्या मतलब है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पार्ट्स का सेपरेशन करना, एक होता है कि आपकी पावर एक सिंगल हैंड्स में है, सिंगल पर्सन इज कंट्रोलिंग एवरीथिंग, सिंगल पावर, सिंगल बॉडी इज कंट्रोलिंग एवरीथिंग, उसको बोलेंगे क्या वो सेपरेशन ऑफ पावर? नो, दैट इज नॉट अ सेपरेशन ऑफ पार्ट्स। लेकिन इफ योर पार्ट्स आर डिवाइडेड और सब डिवाइडेड इनटू डिफरेंट कैटेगरीज, मतलब कि जैसे कि अगर इंडिया की बात करें, देयर आर डिफरेंट बॉडीज और हर बॉडी की अपनी पार्ट्स, कोई रूल्स बना रहा है, कोई रूल्स को एग्जीक्यूट कर रहा है, कोई जुडिशरी बॉडी है, वो क्या कर रहे हैं? अगर कोई भी डिस्प्यूट होता है तो वो डिसीजंस लेते हैं, राइट? तो ऐसे ही, मतलब यहाँ पर इसको बोलते हैं सेपरेशन ऑफ पावर्स। तो सेपरेशन ऑफ पावर्स क्या है? एनसीएट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है दैट डिफरेंट पावर्स इन्वॉल्व इन गवर्नमेंट ऑफ अ स्टेट शुड बी सेपरेटेड फ्रॉम वन अनदर, मतलब कि हमारी पावर्स जो है एक दूसरे से डिफरेंट होती है। इसका बेसिकली क्या मोटिव क्या होता है? फियर दैट इफ टू और मोर पार्ट्स इन द सेम स्टेट गेट इनटू द सेम हैंड, तो उनके बीच में टायरेंट्स आ जाएंगे। आप खुद सोचो कि अगर एक ही पर्सन को एक ही स्टेट में मोर देन वन पावर मिलती है, उसको बहुत अथॉरिटी मिलती है, मतलब वन हैंड में बहुत सारी पावर्स हैं, तो फिर वो जो कहीं ना कहीं वो डिक्टेटरशिप आ जाती है, राइट? डेमोक्रेसी नहीं रहती, फिर वो डिक्टेटरशिप होती है। ठीक है, सो दैट्स व्हाई पावर ऑफ सेपरेशन का जो रूल है, या फिर इसको आप बोल सकते हो डॉक्ट्राइन,
है ये आई है कम इनटू फोर्स. यूएस कॉन्स्टिट्यूशन वाज डिजाइंड विद सेपरेशन ऑफ पावर्स इन माइंड. जो आपका यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें भी यही चीज है सेपरेशन ऑफ पावर्स, प्लस इंडिया में भी यही चीज है सेपरेशन ऑफ पावर्स. दस द प्रेसिडेंट, जो उनका प्रेसिडेंट है, इन चार्ज ऑफ एग्जीक्यूटिव लिम्ब ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मे नॉट बी द मेंबर ऑफ कांग्रेस द लेजिस्लेशन. मतलब उसमें क्या होता है कि सिंपली अगर बताऊं कि अगर एक जगह पर एक पर्सन को एक पावर मिली है देन सेकंड प्लेस पे वो अपॉइंट नहीं होता है बिकॉज उसको ऑलरेडी एक पावर मिल चुकी है. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल ऑल्दो द यूएस सुप्रीम कोर्ट द मोस्ट सीनियर जुडिशियल बॉडी मे डिक्लेयर लॉज मेड बाय द यूएस कांग्रेस टू बी इनवैलिड the members of that court are chosen by the president subject to the approval of the senior upper chamber of congress which is a senate. Hope these things are clear. Bahut simple cheez hum kar rahe hain, theek hai, separation of powers. Jo aapka UK hai has what it is often called an unwritten constitution. UK ka constitution unwritten hai. ठीक है. इट्स की रूल्स हैव नेवर बीन फॉर्मली टू कलेक्टेड टुगेदर इनटू वन इनएक्टमेंट. देखो अनरिटन का क्या मतलब होता है, जैसे कि इन इंडिया एंड यूएस आल्सो वी हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है. उस कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, बहुत सारे सेक्शंस हैं एंड एवरीथिंग इज फॉर्मड टुगेदर, कलेक्टेड टुगेदर, और उनको एक साथ कहा जाता है कि वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, जिसके बेस पे हमारी कंट्री रन होती है. लेकिन व्हेन इट कम्स टू यूके यूनाइटेड किंगडम तो उनका कोई भी रिटन कॉन्स्टिट्यूट ही नहीं है. रूल्स हैं, रूल्स आर देयर, बट रूल्स एक जगह पर नहीं है. ठीक है. तो यूके कॉन्स्टिट्यूशन हैज इवॉल्व ओवर कंट्रीज रेदर देन एवर डिजाइन एंड सो इट डज नॉट रिफ्लेक्ट द दिस क्राइटेरिया. On the one hand, the basic principle that, contrary to the theory of separation of power, the most senior member of executive are chosen from the legislation. इसको हम क्या बोलते हैं, Westminster. तो सबसे पहले power of separation की जब बात आती है, so first जो आता है that is legislation. ठीक है. जैसे कि मैंने आपको बताया there are three types of segregations. कौन कौन सा है, लेजिस्लेशन है, एग्जीक्यूटिव है एंड देन जुडिशियल बॉडी. तो वेरी फर्स्ट बॉडी आती है आपके पास लेजिस्लेचर. ये क्या करती है, ये प्राइमरी लॉ मेकर है. इसके बीच का जो डिफरेंस है ना तीनों बॉडीज का, वो प्लीज ध्यान से समझना क्योंकि आगे चल के आपको फिर कंफ्यूजन नहीं होगी. ठीक है. सो सबसे पहली ये आपकी प्राइमरी लॉ मेकर है. हु मेक्स द लॉ, कौन मेक करता है, लेजिस्लेटिव बॉडी. Will usually indicate if a state is to be considered democratic or not by whether its membership is wholly or substantially elected. May either have unlimited lawmaking power, okay, or to be subject to a legal limits. ऐसा भी हो सकता है कि उनको unlimited power है और subject है, मतलब limits भी है उनके पास. ठीक है, दोनों चीजें ही possible. Who may be given power to declare invalid law made by the legislature. उसके बाद आपके पास those limits, if any, are often enforced by the state judiciary. उसके बाद judiciary body आती है जो actually judgment pass करती है, वो judge होते हैं, judgment pass करते हैं और वो क्या कर सकते हैं, invalid भी declare कर सकते हैं law को made by the legislation that are inconsistent with those limits. एक बात समझो, सेपरेशन ऑफ पावर में कैसे काम चलता है कि अगर आपकी लेजिस्लेशन बॉडी ने कोई रूल बनाया है, वो रूल अब लेजिस्लेशन बॉडी ने अपनी लिमिट से बाहर जाकर बनाया है, तो जो आपकी जुडिशियल बॉडी है वो उसको इनवैलिड डिक्लेयर कर सकती है. वन ऑफ द की रूल क्या है आपका यूके के अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन का, इज दैट यूके पार्लियामेंट इज सोवरेन. द कोर्ट That is the judiciary have no power to declare its law be invalid. एक और चीज यहाँ पर आप नहीं सीखेंगे क्या, कि जो आपका यूके का कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें ये चीज नहीं है, आपकी जुडिशरी बॉडी जो यूके में है वो लेजिस्लेशन के बनाए हुए लॉज को इनवैलिड डिक्लेयर नहीं कर सकते. यू हैव योर सेकेंड पावर दैट इज आप बताइए एग्जीक्यूटिव. ठीक है, फिर आपके पास आती है एग्जीक्यूटिव बॉडी. ये एक्चुअली में क्या करती है, इम्प्लीमेंट
इम्प्लीमेंट करती है, यही आपके लॉज को ब्रिंग इनटू फोर्स। आपने बहुत जगह पे पढ़ा होगा कि दिस लॉ कम इनटू फोर्स ऑन दिस और दैट डे, राइट? तो वो एक्चुअली में कौन करता है उसको? एग्जीक्यूटिव बॉडी करती है, ठीक है? यूजुअली एंड न्यूमेरिकली लार्जेस्ट ऑफ द पावर्स, इसके पास पावर होती है बहुत सारी, ठीक है? इसमें और भी चीजें आती हैं जो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, अभी के लिए इतना करते हैं, देन नेक्स्ट लेक्चर में हम बाकी का जो आपका टॉपिक रहता है उसको भी खत्म करेंगे।